सर मेरा नाम मोनू कुमार है। क्या हुआ सर? ये मियाँ बीबी आपस में लड़ाई की थी इन्होंने। ये जेड़ा मेरा बहनोई था, ये कम से कम 15 दिन हो गए से काम पे नहीं जा रहा था। तो मेरी बहन ने इसे बोला कि तू काम पे जा, हम अगर काम नहीं करेगा तो हम लोग खाएंगे क्या। तब इसने इसी करके लड़ाई की और इसने शराब पी रखी थी और इसने फोन नंबर लिया था किस्तों पे। तो बहन कह रही थी अगर काम नहीं करेगा तो फ़ोन के पैसे कहाँ से देगा। तो मेरी बहन को बोलता कि फ़ोन के पैसे मैं जिधर से मर्जी दूँ, तू कौन होती है। और बाद में लड़ाई करके इसको मार के यहाँ पे फेंक गया है। कब की बात है ये? कल की बात है सर। कल ये लड़ाई लड़ाई कल इसने 11 बजे की है और हम लोगों को पता वही 2 बजे लगा है। तो हम लोग इधर उधर ढूंढते रहे और फिर हम लोगों को एड्रेस नहीं पता था कि यहाँ पे मार के फेंक गया है। फिर हम लोग इधर उधर ढूंढते रहे, फिर आज सवेरे आया इसका फोन कि इधर उधर मत ढूंढो, यहाँ पुल के पास में देखो जाके, वहाँ पे मैं मार के फेंक के आया हूँ। किसका फोन आया था? नीरज का फोन आया था। नीरज कौन है? इसका घर वाला है। अब वो कहाँ पे है? अब वो सर पता नहीं कहाँ पे है। वो फोन करते हैं तो बताता नहीं मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। किसी बस में या किसी चीज़ में बैठ के घर जा रहा है। क्यों हमने फोन किया था तब गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे। जो उनके साथ बच्चा छोटा वो भी सर उसी के साथ में होगा। वो हमारा भांजा 3 साल की उम्र है उसकी। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਿਜਵਾੜੇ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਰਨਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀਤੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੋ ਸਰ